हाय शिवम जी, कैसे हो? प्लीज़ 10 मई को, 10 मई को बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ आज या कल ज़रूर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 देखेगा। और यार थैंक यू डिपार्टमेंट सो मच। मेरा नाम डिपार्टमेंट क्या डिपार्टमेंट विकास, ऑल द बेस्ट। सारे वो जो सुबह तक ना उतरे, हर रात नशा चढ़ता है। पर मीना खुदा जानता है कि मैंने सिर्फ आपको प्यार किया है। बड़ा सवाल था ये कि क्या धोनी फाइनल में रन आउट थे या नहीं। देखो भाइयों, एक एंगल तो ये दिखा रहा था कि बैट क्रॉस नहीं किया था लाइन को, और उस एंगल को हमने बार बार देखा नहीं। आई थिंक द अंपायर मिस्ड अ ट्रिक, आई थिंक ही वाज आउट। आप कहाँ से हैं? पटना से। पटना कहाँ है? जहाँ पटाओगे वहाँ पट जाएंगे। अरे ये मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि किस जगह पटना है। जहाँ जिस जगह ले जाओ वहाँ पट लेंगे। जाओ ले जाओ नींद मेरी, उफ न करेंगे हम। जो ले जाओगे ख्वाब मेरे, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला माँ, अच्छे लोगों को भगवान परेशान बहुत करता है लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है लेकिन कभी साथ नहीं देता। जिंदगी को बहुत ज्यादा भी सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। बहुत सी ठोकरें खाने के बाद यह एहसास हुआ कि कुछ नहीं कहती हाथों की लकीरें, खुद ही बनानी पड़ती है अपनी बिगड़ी तकदीरें। शक्ल से शादीशुदा और हरकतों से डिवोर्स ही लगते हो। एज क्या है? 4 दिन पहले 25 का हुआ। इतना परफॉर्मेंस प्रेशर मत डालो खुद पे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शौक उम्र देख के पालने चाहिए। पगली तू क्यों रो रही है? क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। मैं मतलब 4 साल का ही था। अच्छा। जब मेरे फादर, यू नो, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरे लिए हमेशा वो मेरे साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी मेरे साथ नहीं है, बट उनकी सोल इनके अंदर है, एक माँ के रूप में। अरे, और आई थिंक मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि जिसने मुझे जिंदगी दी, जिसने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया है, वो माँ है मेरी जो भगवान का साथ। अरे, हाउ स्वीट।